मैं मंदिरों की पवित्र धरती बोकर, जहां मां सीता के पावन चरण पड़े, मैं इधर सिर झुकता हूं। ये वो धरती है जिसे सत्य गणपति शीतला देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं सिर झुकता हूं महान साधु संत पसंद संत जीवनदास महाराज, संत सूर्यकांत महाराज और कृष्ण महाराज जोशी और उनका अनुयायियों की इस पवित्र भूमि को। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मैं गृहमंत्री अमित शाह जी को, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का, साथ ही मैं आभारी हूं महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री अशोक शिवान जी का, डॉक्टर श्री सच्चे कुमार यादव जी का, लोकसभा एमपी अभ्यर्थी डॉक्टर संतुकराव हंबरदे जी एंड डॉटर ऑफ हु कम्स फ्रॉम अ विशिष्ट परंपरा मूडव तरम अलांटी विशिष्ट परंपर नुंचि वच्चिन कुमारी श्री अशोक चव्हाण गारी पुत्रिक कुमारी श्री जया अशोक चव्हाण गारु एमएलए अभ्यर्थी बोकर असेंबली నియోజకవర్గానికి, అలాగే శ్రీ నమస్కారాలు తెలియజేసి అమరాంత్ రాజుకర్ గారికి ఎమ్మెల్సీ విధాన పరిషత్, అలాగే శ్రీ రామరావు పాటిల్ ముద్దోల్, శ్రీ కిషోర్ దేశ్ముఖ్ గారికి బీజేపీ నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్, వారందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇందాక బెంగళూరు నుంచి వస్తూ ఉన్నాను, అక్కడ ప్రజలతో చెప్పాను కేవలం ఓట్లు అడగడానికి రాలేదు, వీరులు పుట్టిన మరాఠా నేలకి గౌరవం తెలపడానికి వచ్చాను. జైసే కి మేనే బెంగళూరుకి జనతా సే కహా తా మే యహా సిర్ఫ్ ఓట్ మాంగనే నహీ ఆయా, మే ఆయా హూ మరాఠా వీరో కి ధర్తీ కో नमन करने, इसलिए मैं स्वराज्य के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, उन्हें जन्म देने वाली संस्कार देने वाली राजमाता जीजाबाई को नमन करता हूं, संविधान के जनक भीमाराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, मेरे एनडीए के साथ बिताए 10 वर्षों में जैसे कि मैंने डेगलुरु भी मैं बताया कि एनडीए विगत 10 वर्षों में महाराष्ट्र को विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए बहुत सी योजना लेके आई है, चाहे किसानों की फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान योजना हो, हमारी महिला के लिए लाई गई मुद्रा योजना हो, 11,000 किलोमीटर के हाईवे दिए, और इन 10 सालों में भारत को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा किया है। इसके साथ ही हमारे बहनों के सम्मान में एनडीए इन 10 वर्षों में कई योजनाओं को लेके आए हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और महाराष्ट्र की बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए लक्की वाहिनी योजना।
मैं पिछले दशक में जब मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर राम मंदिर से शोभायमान अयोध्या, विश्व पटल पर चमकता हमारा तिरंगा, भारत के हर कोने को जोड़ते हाईवे, हर गांव में पहुंची सड़क, हर गांव में पहुंची बिजली, हर गांव में पहुंची नल। आज के तारीख में हम देख रहे हैं आपको धोखा दिए सो वाले दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मुंबई शहर को लूटने के लिए गुजरात से दो लोग निकला हुआ है, एक प्रधानी दूसरा अदानी। ये डबल इंजन के सरकार का मतलब एक अदानी दूसरा प्रधानी। मुंबई में जो स्लम है वहां पर जगह है बहुत कीमती है, सोने भी आप खरीद सकते, मगर मुंबई में एक गज का भी जगह आप नहीं खरीद सकते। इसीलिए वहां के जगह के ऊपर अदानी का नजर लग गए, वो नजर अदानी। कल अजित पवार ने कहा जिस दिन शरद पवार जी को उद्धव ठाकरे जी को चूरा भोका था अदानी हमारे साथ में थे, हम सब मिलकर साजिश करके महाविकास आगादी सरकार को गिरवा दिए, खाली बयान दिया अजित पवार ने। इसका मतलब मुंबई लूटने के लिए वो लोग गुजरात से यहाँ पर आए। इसीलिए मैं एक बात, ऐसा ही एक आदमी था तेलंगाना में, उनका नाम है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना को लूटने में उनके परिवार तेलंगाना सब लूटकर हजारों करोड़ों रुपए कमाए, हम देख देख कर 9 साल देखा। उसके बाद हम कदम उठाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ दिए, सब लोग घर पे नहीं गया, 1 साल तक गांव गांव कोने कोने पे तेलंगाना में हर गली गली घूमकर गरीब लोगों का आवाज बनकर वो चंद्रशेखर राव को हम दफन कर दिए तेलंगाना में। आज के तारीख में उनका नाम नहीं है, उनका निशान नहीं है तेलंगाना में। आपके भाई बनकर, आपके बेटा बनकर, आपके सम्मान बनकर तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार हम लागू किए, 6 गारंटी दिए तेलंगाना में। 6 गारंटी में महाराष्ट्र तेलंगाना में कोई फर्क नहीं है, एक किसानों का राज्य है। किसान जब अच्छा है, किसान खुशी रहा तो राज खुशी रहेंगे। राज चलाने का मतलब भी किसानों के भला करना है। इसीलिए हमारा सरकार बनते ही 25 दिन में लिखो पत्रकारों से, मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, आप लोग लिख लो, 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफी करके इस हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार किसानों का सरकार, किसानों के लिए 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए मैं जमा किया बैंक खाता में, 2 लाख तक हर किसान को हम कर्जा माफी कर तेलंगाना सरकार किसानों का सरकार इस हिंदुस्तान को आवाज दिए। दूसरी रहा नौजवानों का बेरोजगारी, 10 महीने में तेलंगाना सरकार 50,000, लिखो 50,000 सरकार नौकरी हमने दिया 10 महीने में। आज मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी से, आपके गुजरात में ये 20 साल हो गए आपके राज्य सरकार बनकर, ये 20 साल में कोई एक साल में 50,000 नौकरी अगर गुजरात में दिया हुआ तो दिखा दो। मैं सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, या नहीं एकनाथ शिंदे जी से मैं सवाल कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कितने सरकार नौकरी दिया हुआ है आप? मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं, तारीख लगाओ, मैं आऊंगा मुंबई शहर को, मैं आपसे मुकाबला करूंगा, आपसे मैं बहस करूंगा। इसीलिए और उसके अलावा हमारे माँ बहन कभी माँ को देखने के लिए नहीं तो मंदिर को जाने के लिए बस किराए पूछे तो उनके परिवार ने अभी नहीं है पैसे, दशहरा को पूछे तो दिवाली को जाएंगे, दिवाली को पूछे तो संक्रांत को जाने के लिए बोलते थे, मगर आज के तारीख में उनके परिवार ने हस्बैंड बाहर काम के लिए गए तो सीधा सीधा बस चढ़कर माँ के घर पे जा सकता है।
क्योंकि आज पूरा तेलंगाना राज्य में हमारे महिलाओं के लिए आरटीसी बस में कहीं पर भी चढ़ो कहीं पर भी जाओ एक पैसा भी पूछने वाले नहीं है, जेब में पर्स में एक पैसा रहने का जरूरी नहीं है। हमारे महिलाओं के लिए, हमारे माँ के लिए, हमारे बहनों के लिए बस में मुफ्त बस चलने के लिए हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है। ये 11 महीने में 1,10,00,000 महिला लोग बस चढ़कर मुफ्त राइड किए, उसके लिए 3,600 करोड़ रुपए आरटीसी को मैं सरकार के पैसे जमा किया। आप जाके मोदी जी आपके सरकार आपके जिम्मेदारी लोगों को तेलंगाना भेजो, मैं हिसाब किताब पूरा आपको देता हूं। और उसके अलावा भी हमारे महिलाओं के लिए खाना पकाने बच्चों को स्कूल को भेजना है तो सिलेंडर इतना महंगा हो गए, सिलेंडर देखते ही पटाखे पोटे जैसा हो गए, सिलेंडर का दाम देखे तो 1,200 रुपए हो गए। हमारे माँ बहन लोग रुपए रुपए जमा करके रखे तो मोदी जी लूट रहा है। इसीलिए मोदी जी आप कितना भी करो मगर हमारे माँ बहनों को 500 रुपए में घर पे सिलेंडर दे रहा हूं। आपके बगल में जो रिश्तेदार है तो जाके पूछो उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप तेलंगाना में किसी से फोन करके बात कर लो,